हेलो दोस्तों, नया व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आना सागर झील में जा रहे हैं और ये जो मेन गेट है इस पे हम जो पर्ची कटती है 25 रुपये की टिकट लगती है वो टिकट दिखा के हम जाने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि ये दिखा रहे हैं पर्ची, इनके हम इनसे पहले ही टिकट दिखा दी गई है और हम प्रवेश कर रहे हैं आना सागर झील में, चल रहे हैं। ये है अजमेर में स्थित है ये आना सागर झील, ठीक है दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं, ये जैसे दोस्त घूम के आ रहे हैं आना सागर झील में से। अब झील क्या है क्या नहीं है पूरा बोरा हम दिखाएंगे आपको आगे चल के। आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। और आगे की तरफ चल रहे हैं आना सागर झील में, पूरा बाग है ये, बाग देख लीजिए पहले आप, फिर और चलते हैं आगे की तरफ। देख लीजिए दोस्तों ये है आना सागर झील, ठीक है दोस्तों। आना सागर झील में ये बतख देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही भयंकर बतख हैं ये, बहुत ही ज़्यादा बतख हैं ये, ठीक है दोस्तों। ये आना सागर झील से जाना जाता है, इसमें माउंट आबू भी है, वो दिख रहा है हल्का सा, वो माउंट आबू भी है। इसमें नाव की सहायता से जाया जाता है, वो भी आगे दिखाएंगे हम, इससे पहले आप पूरा ये देख लीजिए दोस्तों आप भी आना सागर झील। एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं हम आना सागर झील, इसका जो महल है वो भी दिखाने वाले हैं, और इसके अड़ोसी पड़ोसी गांव हैं, ये घर है, ये सारे जूम कर कर के हम दिखा रहे हैं हम दोस्तों आपको। और इसमें बतख बहुत ही अधिक हैं, ये जो झील है इसमें बतख बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें मछली भी पाली जाती है, वो भी हम दिखाएंगे आपको आगे की तरफ। ये अजमेर में बहुत ही माना हुआ है आना सागर झील से जाना जाता है ये, और ये एक आना सागर झील का महल है दोस्तों, ठीक है। आप एक बार आइए और यहाँ पर देखिए दोस्तों आना सागर झील में, बहुत ही घूमने लायक चीज़ है ये, ठीक है दोस्तों। और आगे की तरफ और चलते हैं और दिखाते हैं हम। ये जो आना सागर झील का जो पानी का बहाव है, जो यही है पानी का बहाव, ये मछली दिख रही है आपको, बारीक बारीक मछली है, और ये नाव की सहायता से माउंट आबू पर जाया जाता है दोस्तों। ये आप रेलवे स्टेशन से उतरकर आपके लगभग 10 किलोमीटर दूर है ये, आप आना सागर झील पूछ लें, और ये मछली देख लीजिए दोस्तों आप भी, फुल जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों मछलियाँ, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। और ये नाव है, नाव में बैठकर घूम के जाइए पूरे इस झील में, पूरी झील में बैठे, और ये बवाट में ऐसे जाना है आपको, आप लेके चलेंगे दोस्तों, और दिखाते हैं हम आपको आना सागर झील का जो बगल पे बगल में जो रोड पर हम खड़े हैं वो पूरा सीन देख लीजिए दोस्तों आना सागर झील का। आपका रेलवे स्टेशन अजमेर से आपका लगभग 10 किलोमीटर दूर है ये, आप कोई भी ऑटो वाले को पूछोगे आना सागर झील जाना है तो वो आपको ठेठ लेके जाएंगे, ये आना सागर झील में आ जाएंगे आप। जो ये नाव दिख रही है पानी की, जो पानी की नाव में आप बैठ के जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब मैं आना सागर झील की जो पैड़ी है, पैड़ी पर चल रहा हूँ दोस्तों, और आपको दिखा रहा हूँ आना सागर झील पूरी। जैसे कि ये मछली पकड़ रहे हैं दोस्तों, ये नाव में बैठ के चल रहे हैं और मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं सारी चीज़, मछली कैसे क्या जाल गेरते हैं, कैसे क्या करते हैं दोस्तों, ये ऐसे पकड़ के जाल को खींचते हैं दोस्तों मछलियाँ, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आना सागर झील का पूरा रहस्य है, जैसे दो दो तीन तीन नाव में अलग अलग आदमी बैठकर रस्से खींचते हैं, जाल खींचते हैं, और एक नाव के अंदर जो मछलियां पकड़ते हैं वो मछलियां गेर देते हैं, जैसे कि ये नाव रही, इसमें मछलियां ही मछलियां हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक लाइक बहुत ज़रूरी बनता है, एक लाइक बहुत ज़रूरी कर दें दोस्तों,
ये माउंट आबू है, इस पे भी नाव चलती हैं और ठेठ जाया जाता है। ये झील के बीच में है दोस्तों, चारों तरफ पानी है और ये पानी के बीच में ये माउंट आबू बनाया गया है। मैं आपको बता रहा था जैसे कि ये मछलियाँ देख लीजिए दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ नज़दीकी से करके, एक में मछली रखी जाती है और दो तीन नाव वाले जाल फैलाते हैं दोस्तों। ये आना सागर झील का टाबू है और टाबू में हम लेके आए हैं आपको, ठीक है दोस्तों। और चीज़ दिखाएंगे हम इसका रहस्य, आना सागर झील का रहस्य। जैसे कि ये आपके मछली पकड़ रहे हैं दोस्तों, और इसका पूरा बाग बगल में हम आपको पूरा सीन दिखा रहे हैं दोस्तों। और आना सागर झील में आप ज़रूर आइए दोस्तों, और बाग में घूमिए दोस्तों आप भी, और एक बार आके यहाँ पर ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। आना सागर झील यहाँ पर एक एक चीज़ बनाई गई है और बहुत ही बेहतरीन से ये नाव वाले मछली पकड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कलाकार से जाया जाता है नाव से, जैसे कि ये देख लिए हम नज़दीकी से दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ से ये मछलियाँ, और ये कैसे नाव चलाकर जाल घेरते हैं और पकड़ते हैं मछलियों को। बहुत ही अधिक पब्लिक आती है यहाँ पर ये आना सागर झील देखने के लिए। ये अजमेर में स्थित है दोस्तों, एक बार आप ज़रूर आइए और देखिए। और इसका जो बगल का जो बाग है वो बाग ये है दोस्तों, आना सागर झील के जस्ट बगल में ही है दोस्तों। ये आना सागर झील है पूरी, और इसके बगल में ही ये पूरा बाग है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये जैसे कैमरे वाले चल रहे हैं, ये यहाँ पर फोटो वोटो खींचते हैं, और ये आना सागर झील में जैसे कोई भी खिंचवाते हैं, वैसे ही आना सागर झील का माउंट आबू भी देख लीजिए दोस्तों आप भी, ठीक है। और नाव जैसे ही बीच में दिख रही होगी आपको स्क्रीन में चलती हुई, यहाँ से घुमाते हैं और माउंट आबू पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लास्ट एंड फाइनल पे हम चलते हैं, अलविदा लेते हैं दोस्तों। हमारी आज का जो ब्लॉग है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और आप यहाँ पर ज़रूर आइए, हम सारी चीज़ दिखा दी गई है, जो आपको नहीं देखी है जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और आप भी आइए यहाँ पर और ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, एक बार ज़रूर आइए आप भी, बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से आइए और यहाँ पर घूमिए और देखिए, ठीक है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।